नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बुधवार को आम बजट पेश किया गया, जिसमें जन सामान्य के लिए जो भी योजनाएं लाई गई वह सभी के सामने है। इस बजट को कांग्रेस ने चुनावी बजट करार दिया तो भाजपा ने इसे विकास वाला बताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राम किंकर सिंह गुर्जर ने कहा कि इस बजट को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बनाया गया, जिसमें गैस सिलेंडर को बढ़ाकर आम लोगों को बोझ से दबा दिया। तो भाजपा नेता अशोक सिजरिया ने सराहना करते हुए अच्छा व विकास वाला बताया। ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार का झूठा बजट है, जिसमें लोगों को गुमराह किया गया है। किसानों के हित में इसमें कुछ भी नहीं है। इस बजट में ना तो किसानों का हित ध्यान में रखा गया है, ना युवाओं का भविष्य ध्यान में रखा गया है। एक बजट के नाम पर लॉलीपॉप लोगों को दिखाने का काम ये सरकार ने किया है। ये झूठी सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया है। एक तरफ जहाँ 1,000 रुपये देने का, जो महिलाओं को गुमराह करने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ गैस सब्सिडी कम करके और गैस सिलेंडर पर रेट बढ़ा करके रसोई का बजट बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। एक तरफ से झूठी खोखला बजट देने का जो वादा है, दूसरी तरफ से लोगों की जेब पर डाका डालने का काम सरकार ने किया है। इस सरकार के बजट में ना तो किसान कर्ज माफ़ी की कोई योजना है, ना ही रोजगार, युवाओं के बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार देने की कोई स्कीम है, ना ही इसमें महंगाई कोई मुद्दा है। इसमें केवल और केवल लोगों को धोखे में रखकर गुमराह करने का, ये चुनाव में वोट बटोरने के लिए, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए केवल ये झूठा बजट पेश किया है। आप अध्यक्ष के साथ जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ग्राम पंचायतों के लिए क्या दिया है इस बजट में? पंचायतों की उपेक्षा की गई है, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई है। ना ही पंचायत, ना जनपद, ना जिला पंचायत के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का, इसमें उनके अधिकारों का हनन किया गया है। उनके मुताबिक क्षेत्र की विकास को नज़र में रखते हुए कुछ भी इस बजट में प्रावधान पंचायतों के लिए और ग्रामीण समस्याओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो ये माना जाए कि लॉलीपॉप है या चुनावी बजट है? बिल्कुल, चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए झूठी घोषणाओं का, ये झूठी सरकार का झूठा बजट है। शिवराज सरकार ने जो कल बजट पेश किया है, उस पर आपका क्या मत है? शिवराज सरकार का यह लोकप्रिय बजट है, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन 5 मार्च 2023 को है, और जन्म की पूर्व में उन्होंने जो बजट पेश किया है वो एक तरह से जनता के लिए तोहफा है। जनता को क्या दिया उन्होंने? 5 मार्च से लाडली बहन योजना लागू की जा रही है। निश्चित रूप से गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और 1,000 रुपये प्रति माह है उनके खाते पर स्वतः पहुंच जाएंगे। किसानों के लिए क्या किया सरकार ने? खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.